गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, शुभ संध्या बोल सकते हैं। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? सुनाइए भाई, सब स्वस्थ, मस्त और व्यस्त? अगर ये तीन चीजें आपके पास हैं तो समझो कि बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप अपनी हाजिरी क्लास में लगाइए और फटाफट, कैसे हैं आप लोग? कैसा मूड है? कैसा माहौल है? तैयारी कैसे चल रही है? स्वस्थ है कि नहीं? कैसा आप लोग फील कर रहे हो इस क्लास के दौरान? जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ बेहतरी होती है कि नहीं होती है? फटाफट मुझे बच्चों इसके बारे में आप जानकारी जरूर दें। बेटा, आज की क्लास की शुरुआत हम देखिए एक मोटिवेशनल कोट के साथ करें। स्मॉल स्टेप इन द राइट डायरेक्शन आर बेटर देन बिग स्टेप्स इन द रॉन्ग डायरेक्शन। बहुत गहरी बात चुकी है बेटा, बहुत मजेदार बात है ये। क्या आप दौड़ते रहो, आप भागते रहो, ये जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्शन सही हो। और आप बहुत तेजी से दौड़ते जा रहे हैं तो जरूरी नहीं आप मंजिल पे पहुंच ही जाओगे। भले ही छोटे छोटे स्टेप्स आप लो, लेकिन सही दिशा में हो, सही तरीके से हो, ताकि वो तय की गई दूरी आपकी सक्सेस की तरफ जो यात्रा होती है उसमें काउंट हो, ना कि अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार बात यह है कि बेटा धीरे चलो, लेकिन सही दिशा में चलो। सही दिशा में धीरे धीरे चलते चलते आपको अनुभव हो जाएगा और वहां पे खूब तेजी से दौड़ना शुरू कर दोगे। क्योंकि गलत दिशा में जाने से तो अच्छा है सही दिशा में जाएं, भले ही थोड़े से स्लो क्यों ना जाएं, राइट? तो सब बच्चे क्लास को शेयर लाइक कर दीजिए भाई, एक बारी दमदार सेशन होने वाला है। सब अपने दोस्तों पे, अपने सोशल मीडिया के ग्रुप पे शेयर कर दीजिए ताकि मैं क्लास की शुरुआत कर पाऊं, राइट? चलिए भाई, बहुत अच्छे हैं आप, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। विंटू बहुत दिनों में बाद आए हैं। मोंटी रीथ एनएफएस वाईपीएस, यानी कि मैं तो कहता हूँ आईपीएस राठौर। चलिए बहुत बढ़िया भाई, सब बच्चों का स्वागत, सबका वेलकम। तो बच्चों सबका स्वागत है लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। मैं सुजीत कुमार, आपका मैथ्स फैकल्टी, सबका वेलकम, सबका स्वागत। और आइए आज एक बहुत बेहतर सा सेशन लेके शुरुआत करते हैं, ताकि क्यों ना आपको इस सेशन पे कमांड हो जाए। मैं तो बस यही चाह रहा हूं कि इसमें आपको बहुत बेहतरी की उम्मीद मेरी तो है, आपकी है कि नहीं, इस क्लास के बाद आप मुझे जरूर बता के जाएं। चलिए, जो बच्चा नया बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सेशन को शेयर लाइक कर दीजिए, ताकि आनंद, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? ताकि देखिए मुझमें भी जोश ऊर्जा बरकरार रहे और मैं आपके लिए बहुत बेहतर काम करता रहूं। सब बच्चे जानते हैं, लेकिन जो नए बच्चे, बेटा एक इंट्रोडक्शन का दौर आप सबके साथ। बेटा मेरा नाम सुजीत कुमार है, आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, एमएससी मैथमेटिक्स मेरी क्वालिफिकेशन है। पिछले 17 वर्षों से मैं आपको सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एनडी और एसएससी एग्जाम्स में डील कर रहा हूँ। लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो नहीं मानते बेटा, वो रिजेक्ट भी हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो रिजेक्ट नहीं होते बेटा, वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं, हैं? तो आपको सबसे बड़ी बात ये माननी है कि हाँ सर, हम आपकी कही गई बात मानेंगे। वॉच योर सेशन ऑन अकेडमी, इट्स वॉज अमेजिंग, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आनंद, आपको अच्छा लगा, आप बाकी बच्चों को भी बताओ ताकि वो भी इन सब का फायदा उठा पाए। बेटा आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ या और भी कोई जो एग्जाम देना चाहते हो, बेटा सीडीएस का मैथमेटिक्स पढ़ लिया ना, तो हर सब्जेक्ट सॉरी हर एग्जाम का मैथमेटिक्स आपका क्लियर। बेटा इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग ऐप एन अकेडमी पे आप कोर्स बाई करके हमसे अनलिमिटेड एक्सेस के साथ पढ़ सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं यहाँ पे। क्या मिलेगा आपको बेटा? लाइव क्लास मिलेगी जिनमें आप अपने टीचर से बात करके अपने डाउट दूर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, जैसे 10 अगस्त से, सॉरी 10 बोल रहा हूँ, 11 अगस्त से बेटा जी हम एक पेड कोर्स शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके लिए सीडीएस को फोकस करते हुए जाएगा। मास्टर कोर्स है बेटा, ये मास्टर कोर्स है, ये एन अकेडमी पे जाके आप बाय कर सकते हैं। इसमें आप बहुत सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं आपको। आप लाइव टेस्ट और क्विज दे सकते हैं ताकि आपकी परफॉर्मेंस को आप जांच पाए। अनलिमिटेड एक्सेस बेटा, कितने बारी देखो जिसकी चाहिए क्लास आपको मिलेगी ही मिलेगी। कैसे काम होगा बेटा? पहला स्टेप है एन अकेडमी लर्निंग ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने फोन में, ताकि पहला स्टेप आपका क्लियर हो बेटा। उसके बाद आपको मिलती है ऐसे लाइव क्लासेस जिनकी चाहिए आपको मिल जाएगी। एक बारी आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो बेटा बहुत सारे कोर्स, जैसे एनडीए तो सीडीएस, जो भी चाहिए, लाखों लाखों तो
हजारों कोर्स आपके लिए मिलते हैं, वैसे तो अनअकैडमी पे लाखों कोर्स करोड़ों कोर्स पड़े हैं, आपके लिए जो है बेटा वो ये बात रहेगी। टेलीग्राम में तो नहीं मिला हमको, नहीं मिला बेटा, रुको मैं ठीक करा देता हूँ। अगर टेलीग्राम पे अभी अपडेट नहीं हुआ है तो बेटा मैं इस क्लास के तुरंत बाद आपकी क्वेरी दूर करूंगा। संजीव, जय हिंद। आनंद, और जेम कोर्स में क्या डिफरेंस है? बेटा जेम कोर्स ये समझो कि स्पेशल क्लास है हमारी, फ्री कोर्स होगा ऐप पे, और बेटा एक्सपीडिशन कोर्स पेड कोर्स होगा। तो नो डाउट वो कोर्स पे आपको, देखिए पेड और फ्री में जो डिफरेंस होता है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो बेटा वो जो एक्सपीडिशन कोर्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, वो ये समझो कि आपके सिलेक्शन का शॉर्ट शॉर्ट गारंटी है। आप लेके रखो उसको, ये मेरी गारंटी रहेगी, आपका सिलेक्शन होगा। बेटा फ्री, अगर आप मेरा कंटेंट मतलब आप देखना चाह रहे हो, सारे एक दो क्लास नहीं, हम आपके काफी सारी क्लासेस देखना चाहते हैं, तो बेटा स्टेप नंबर वन अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड, नंबर टू लॉग इन गोल, तीसरा मेन्यू बटन से स्पेशल, चौथा बेटा मेरा इनवाइट कोड जो ये एरो के पीछे छुपा हुआ है, मैं आगे हट गया तो भैया लो जी मैं हट जाता हूँ आपके और सक्सेस के बीच में, नहीं आऊंगा, बस साथ दूंगा उसमें SUJ10। बेटा SUJ10 मेरा कोड है, इस कोड को अप्लाई करके अनअकैडमी से जो भी कोर्स आप बाई करेंगे तो उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा, भरपूर मिलेगा, और मेरा पेड कंटेंट भी आप फ्री में देख पाएंगे। बेटा जेम कोर्स है, ये जो जेम कोर्स है जो अभी बात करते हैं आप, बेटा ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 100% फ्री, अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे है। बेटा ये 1 to 4 चलता है, इसमें इंग्लिश अमित सर पढ़ाते हैं आपको, 102 काशिफ सर पढ़ाएंगे आपको, 2 से 3 GS, और बेटा 3 से 4 में आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। मंडे टू फ्राइडे ये सेशन रहेगा, ये स्पेशल क्लासेस है बेटा, हर कोई बच्चा जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे बेटा और मेरा कोड SUJ10 डाल दोगे तो ये कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। चलिए भाई अनअकैडमी पे बेटा आप क्विज भी दे सकते हैं, वही सिंपल सिंपल स्टेप्स, देखिए यहां तक तो कॉमन था, प्लस आपके पास स्पेशल की जगह प्लस लेवल टेस्ट ज्वाइन क्विज, एंटर द कोड, कोड मैंने आपको बता ही दिया है SUJ10, ये यू है बेटा SUJ10, और मेरा इंतजार करें, क्विज हाजिर। चलिए बेटा टेलीग्राम ऐप देखो, आप टेलीग्राम पूछ रहे बेटा, ये रहा टेलीग्राम का हमारा लिंक, डाउनलोड टेलीग्राम ऐप और URL डाल के आप ज्वाइन पे क्लिक कर लो, आपको चीजें मिलेंगी, नहीं मिल रही मैं करा दूंगा उसको। नेक्स्ट बेटा क्या प्लान होते हैं देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा कोड है SUJ10, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, जो भी कोर्स बाय करना है ये कोड डालो, आपके जीवन से बहुत सारी दुविधाएं दूर। बेटा 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, ये छुप गया जो मेरे पीछे बेटा, ये 24 महीने का है। जो भी कोर्स आपको लगता है सुटेबल है मैं सलाह दूंगा आखिरी दो को, क्योंकि इन दोनों में देखो क्या होता है, आपको डिस्काउंट भी भरपूर मिलता है और प्रैक्टिस भी भरपूर मिलती है, टाइमिंग खूब है आपके पास, तैयारी कर चुके और रिवीजन के लिए 6 महीने का ले लो। ये जो यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा है, यहाँ पे जो अनअकैडमी डिस्काउंट दे रखा है बेटा, उसके अलावा भी मेरा कोड अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, राइट। लो जी अब इन सब बातों बातों में बेटा हम आ गए हैं आज के कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। बेटा आज का जो हमारा चैप्टर है बेटा, टंकी पाइप टैप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम, नल व टंकी संबंधी प्रश्न की बात करेंगे। चलिए सर आपकी आवाज इको हो रही है, अच्छा जी चलिए इसकी व्यवस्था भी कर देते हैं, इसको भी ठीक कर देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सब बच्चे एक बारी भाई कमेंट कर दो, आवाज सही है, दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। और बेटा जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेटा, शेयर लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आपके शेयर लाइक से मुझे एनर्जी मिलती है, मुझ में वो ताकत आती है कि मैं आप तक वो सारी चीजें टू द पॉइंट ऐसे समझाऊं। मुझे आपका ये डिजिटल सहयोग चाहिए, सभी दोस्त एक बारी क्लास को सेशन को शेयर लाइक जरूर कर दो बेटा, सबने नहीं किया है, जिन्होंने नहीं किया देखिए विद्या माता उनको देरी से आशीर्वाद देगी, मैं बता रहा हूं, गुरु जी की बात माना करो तब शुरू करते हैं। चलिए भाई देखिए बेटा पाइप एंड सिस्टम में क्या होता है, जैसे हम टाइम एंड वर्क में भी पढ़ते आए, एक कोई काम करता है बेटा जी 10 दिन में, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, एक टंकी होगी और उसमें नल लगा होगा, ए नल, वो भरेगा तो प्लस बोल देंगे, बी नल लगा होगा भरेगा तो प्लस बोल देंगे, सी नल लगा होगा अगर वो वेस्ट पाइप है, देखो भैया इसको या तो बोलते हैं वेस्ट पाइप या तो बोलते हैं आउटलेट, मतलब हिंदी में बोलते बेटा जिसको निकासी नल, हिंदी में बोलते हैं निकासी नल, बस एक ही डिफरेंस यहाँ पे होगा बेटो। बेटा सनी वेलकम, बहुत बढ़िया भाई, फटाफट सभी दोस्त आओ सेशन को शेयर लाइक करो तभी बात बनेगी। देखो भरने वाले को बोलते हैं बेटा जी फिल पाइप,
फिल पाइप बोलते हैं या तो फिर बोलते हैं इनलेट। फिल पाइप बोलते हैं या तो बोलते हैं इनलेट, यानी भरने वाले पाइप को सिंबल पॉजिटिव मिलता है और वेस्ट पाइप को नेगेटिव मिलता है। भरने वाले पॉजिटिव काम करेंगे, खाली करने वाले नेगेटिव काम करेंगे, समझ रहे बात को है। हाँ, तो बस आपको यहाँ पे जो डायमंड वर्क का व्यक्तिगत काम था उसमें सिर्फ ये समझना है। अब ये ए आदमी नहीं है, ये नल बन के टंकी भरेगा, भरने वाला है तो प्लस लिख देंगे, अगर खाली करने वाला होगा तो नेगेटिव लिख देंगे। बस यहाँ पे काम नेगेटिव भी होगा ये पहचान कर लेना, ये पहचान कर लेना काम नेगेटिव भी होगा, वहां पे अभी तक काम नेगेटिव नहीं हुआ। एक छोटा सा एग्जाम्पल से शुरुआत करो बेटा, सब बच्चे शुरुआत कर रहा हूँ, सब बच्चे एक बारी सेशन को शेयर लाइक ठोको, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा। और सही बात यह है, सही बात यह है कि सेशन में रुक के पढ़ोगे तो ही मजेदार बात होगी, तभी समझ में आएगा, वरना आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। और ऐसे ही आते जाते में देखिए बात बनेगी नहीं, समझदारी है इसी में, रुक के पढ़ो जम के पढ़ो, राइट। देखो बेटा जानकारी दे रहा हूं एक बार फिर से, अगर आपको अर्थमेटिक पढ़ना है तो बेटा अभी यूट्यूब पे आपकी मेरे साथ क्लास चल रही है अर्थमेटिक पे, है ना। अगर बेटा आप एप्लीकेशन पे आओगे, एप्लीकेशन पे जो जेम सीरीज चली हुई 3 to 4, उसमें मैथ्स होता बेटा, उसमें मैंने एडवांस शुरू किया है, एलजबरा वहां पे शुरू किया है। तो बच्चों सब ऐप वाली क्लास बेटा फ्री है, SUJ 10 डालोगे, कोड SUJ 10 डाल दोगे, वो आपको अनलॉक हो जाएगा, फ्री पढ़ पाओगे ऐप पे भी, और यूट्यूब पे तो फ्री पढ़ ही रहे हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, है ना जी। चलिए ऋषभ गुड इवनिंग, आई एम गुड, आप कैसे हो। चलिए सनी प्लीज स्टार्ट सर। बेटा सनी जो प्रक्रिया होती है ना उसी अनुसार शुरू होगा, देखो जल्दी का काम शैतान का, और शुरू करो ये क्या बताओ यार, डमरू बजाने थोड़े आए भाई मैं, ये गलत बात है। देखो पढ़ाने आए हो तो आराम से पढ़ो भाई। तो देखो ए काम करता है तो पॉजिटिव, सॉरी ए भरता है तो पॉजिटिव बी खाली करेगा तो नेगेटिव होगा। बस यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है वो ये देना है, वो आपको ये ध्यान देना है कि जो इनलेट है वो पॉजिटिव काम करेगा, जो आउटलेट है वो नेगेटिव काम करेगा, समझे। चलिए भाई चलो भाई नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या, पहला नंबर। चलिए भैया आज आपका पहला प्रश्न क्या है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 36 and 45 आवर्स रेस्पेक्टिवली, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाउ मच टाइम विल बी टैंक टू हाउ मच टाइम विल बी टैप टू फिल होना चाहिए, यहाँ पे टैप्स टू फिल होना चाहिए भैया, टैप्स टू फिल द टैंक, राइट। चलिए चलो भाई देखो भैया एक बात सुनो, एक बात सुनो, आप जान रहे हो देखो कि कुछ चीजों के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। क्या ये सब जानकारियां शुरुआत में इसलिए देते हैं कि आप जो चीजें आपकी रह जाती हैं बेटा वो कोर्स से आपको लेनी होती हैं, समझ रहे हो, है ना, आपको वहां पे आना पड़ेगा और बात बननी पड़ेगी। आप देखो देखो बेटा हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप हिंदी भी पढ़ लें, दो नल ए और बी 36 घंटे 45 घंटे। देखो बेटा ए भर सकता है 36 घंटे में, बी भर सकता है सर जी 45 घंटे में। अब देखो इन दोनों का एकदम से आपको एलसीएम लेना नहीं आए, कोई बात नहीं बेटा, 9 गुना में 4 36 और 9 गुना में 4 45, इधर डिवाइड करोगे ये 5 भरेगा, इधर डिवाइड करोगे 4 भरेगा, यानी कि सारा काम। अब ये टंकी बन गई हमारी, 9 गुना में 4 गुना में 5 ये टंकी बन गई, और बेटा दोनों मिलके भरेंगे तो नीचे 9, 9 से 9 कैंसिल, 5 गुना में 4 20, हमारा सटीक आंसर, सही ए पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। राहुल, संजीव, सन्नी, YPS, आनंद, योगेंद्र, बहुत बढ़िया भाई, सब बच्चों को पहले प्रश्न से ही डिजिटल शाबाशी मेरी तरफ से, राइट। ये बेसिक है बिल्कुल, जो पीछे काम किया था वैसा ही है, यहाँ पे दोनों भरने वाले थे इसलिए जोड़ा गया, नेगेटिव हो गया तो बेटा खाली भी करना पड़ेगा, मतलब माइनस भी करना पड़ेगा। चलिए चलिए बेटा देखिए दूसरा प्रश्न आपको थोड़ा सा टेस्ट कर रहा है, दूसरा प्रश्न आपकी जानकारी हासिल करेगा कि कैसे काम करना है। 3 नलों को एक साथ खोला जाता है, एक टंकी को भरने में 12 घंटे का समय लेता है, लो जी एक भरने वाला है पॉजिटिव लिख दिया बेटा कितने में, 12 घंटे में।
उनमें से एक पाइप टंकी को 10 घंटे में भरता है। तो एक नहीं, रुकिए भाई, यहाँ पे ये एरर आ जाएगा। एक नहीं, एक टंकी था ये। देखो मैंने क्या कहा था, लैंग्वेज पे भी आपके कमांड होनी चाहिए। तो एक टंकी को भरने में 12 घंटे का समय लगेगा, तीनों को खोला जाए तो। उनमें से एक पाइप को भरता है 10 घंटे में। ए भर सकता है 10 घंटे में पॉजिटिव, बी भर सकता है ये भी पॉजिटिव है जी 15 घंटे में। हमको पता है इन दोनों को अलग से सोल्व करके देखे 10 और 15 का बेटा, ये दोनों मिलके 6 में भर देंगे, लेकिन टंकी भरी जाती है कितने में, 12 घंटे में। यानी यहां से एक बात तो साबित हो गई सबसे पहले कि सर जी सी नेगेटिव है, और टंकी भरी ही जाती है। यानी ये तीनों का जो ग्रुप है, सी भले ही नेगेटिव है लेकिन तीनों का ग्रुप नेगेटिव काम नहीं करता, यानी सी ए और बी से ज्यादा नेगेटिव काम नहीं कर सकता है। तो ये कितना हुआ, ये हुआ जी 12 घंटे। अब मैं क्या करता हूं बेटा, एलसीएम लिया तो इनका कितना आया 60। 60 लीटर की टंकी है, यहां भरेगा ये 6, यहां भरेगा ये 4, और यहां भरा गया 5। सोचो ए भरता है 6, बी भरता है 4, सी ऐसा क्या करता है कि रिजल्ट सामने 5 आए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, इसका मतलब क्या हुआ, सी की जो कैपेसिटी है नेगेटिव वो है 5। अब कहते हैं बताइए तीसरा पाइप किस प्रकार काम करेगा। सबसे पहली बात तो सी बेटा फिल तो कर ही नहीं सकता, फिल तो कर नहीं सकता, एम्प्टी करेगा या तो 15 में या तो 12 में। सारा काम टंकी है जी 60 की, हमको सी से भरवाना है। तो बेटा जी सी की कैपेसिटी -5, यानी 5 से डिवाइड करोगे 12, और एम्प्टी इन 12 यानी 12 घंटे में ये टंकी खाली हो जाएगी। बी नहीं, डी पार्ट आंसर आएगा। जिन जिन बच्चों ने आंसर डी दिया बेटा उनको शाबाशी, और जिन्होंने 15 दिया उनको चाटा, डिजिटल चाचा लगेगा उनको, फटाफट सही समझो। ऐसे नहीं भाई, सही नहीं समझोगे तो भैया मैं आपको देखो सही तरीके से समझाऊंगा, चाटे मार मार के पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा जरूर भाई। सी नहीं आएगा। संजीव कैसी बात कर रहे हो, भर तो सकता ही नहीं। एक बात बताओ यार, अकेला ए भर सकता है 10 में, तो तीनों मिलके 12 में भरेंगे। यहीं से साबित हो गया कि सी यहां पे ना वेस्ट पाइप है। सी तो यहाँ पे क्या है, सी तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, निकासी नल बन जाएगा। सी तो यहाँ पे निकासी नल बन जाएगा, पहली बात में ही पता लग जाएगा आपको। तो दिक्कत में क्यों आ रहे हो भाई। संकेत सर मैं एमबीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे मैथ्स टफ जा रहा है, समझ नहीं आता क्या करूँ बेटा। एक बात बताओ, अब जो चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इसमें पॉइंट टू पॉइंट मुझसे बात किया करो, मैं कमेंट सब बच्चों के देखता ही देखो है ना, तो समझा करो इस बात को कि यहीं पे क्लियर करना है जो करना है। संजीव आपके लिए रिपीट करो बेटा, देखो अकेला ए भर सकता है 10 में और तीनों मिलके भरते हैं 12 में। तो साबित हो गया इससे सबसे पहले कि भैया अकेला ए, देखो यहां तो ए भी भरने को तैयार है ना, ए भर रहा है ना साथ साथ, तो बावजूद उसके टंकी 12 में भरी गई, इसका मतलब सी वहां पे नेगेटिव काम करता है ना, सी वहां पे नेगेटिव काम करता है। तो सबसे पहले सी नेगेटिव काम होगा। सर एक बार बोलिए ना, सी नेगेटिव कैसे हुआ भाई, बता तो रहा हूं सी नेगेटिव कैसे हुआ। ये बताओ यार, अकेला ए 10 घंटे में भर सकता है और तीनों मिलके 12 में भरते हैं, और जबकि बी भी भरने वाला ही है, यानी कि ए और बी मिलके भरेंगे, वो भी 10 घंटे से कम में भरी जाएगी, और यहां तो तीनों मिलके 12 घंटे में भर रहे हैं, इट मीन सी नेगेटिव होगा। चलिए हाँ जी बोलो, सबको समझ आया भाई, हाँ कि ना जल्दी बताओ दोस्तों, हाँ कि ना फटाफट मुझे बता दो। और भाई क्लास को शेयर लाइक करो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा, दमदार काम करो, क्लास को शेयर लाइक ठोको तब बात बने। नेक्स्ट लो जी, एक हल्का सा प्रश्न लेकिन बेटा एग्जाम में आने वाला, हल्का सा प्रश्न लेकिन एग्जाम में आने वाला। सनी अभी तो बताया था यार, ये देखो मैं बताता हूँ जब आप समझते नहीं ना। एन अकेडमी पे आके बेटा जी, लर्निंग ऐप पे आके SUG10 डाल देना, स्पेशल वहां पे सिलेक्ट कर लेना, और 3 to 4 मेरी क्लास वहां मैथ्स की होगी, और बेटा फ्री रहेगी आपके लिए, सब बच्चों के लिए फ्री है भाई, सबको आना है, सब आया करो बेटा, वहां पे एडवांस पढ़ा रहा हूँ, 3 से 4 में एडवांस पढ़ा रहा हूँ वहां पे मैं। लो जी देखो क्या कहता है, एक नल होज को 15 घंटे में भर सकता है। ये कोई टंकी है बेटा, कोई होज है, उसको ए नल मैंने चलाया, वो इसको 15 घंटे में भर सकता, मतलब पॉजिटिव काम करता है।
लीजिए, अब लिखता हूं भाई, वो इसको 15 घंटे में भर सकता, मतलब ए पॉजिटिव है। लेकिन तली में टंकी पुरानी होगी भैया, टंकी की तली में रिसाव हो गया, टंकी की तली में छिद्र होने की वजह से नली से 20 घंटे में भरता है, यानी ये कुछ पानी बाहर निकाल देता होगा, नेगेटिव करता होगा, तो टंकी भरने में लगा 20 घंटे, है कि नहीं। देखो भाई, बेसिक चाहिए तो बेसिक देख लेना, मैं कहता हूं ऐसे प्रश्न को ट्रिक से बनाओ। एनटी माने बेटा जी नॉर्मल टाइम, सीटी माने बेटा जी करंट टाइम, और ईटी माने बेटा जी एक्स्ट्रा टाइम। देखो कहोगे तो बेसिक से बताऊंगा, नहीं तो मैं चारों बहुत छोटा प्रश्न है, निपटा डालो इसको यहीं पे। एनटी माने नॉर्मल टाइम, बेटा जी 15 घंटे नॉर्मल था, करंट टाइम लगा 20, और इनमें जो गैप आया वो एक्स्ट्रा टाइम 5 घंटे का। बेटा जी 5 3 15 और 20 गुना 3 60, ये पड़ा जी हमारा आंसर खटाक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रीतम, इस क्लास में क्लास के शेड्यूल मालूम नहीं है। ओके ओके प्रीतम बेटा, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर क्लास का शेड्यूल आपको वहां पे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, नंबर एक तो बात ये। दूसरा मैं आपको बता दूं, दूसरा जानकारी मैं आपको दे दूं बेटा, यूट्यूब पे मेरी क्लास बेटा जी 9 बजे होती है हर रोज, एप्लीकेशन पे बेटा मेरी क्लास होती है 3 to 4 हर रोज। सबसे बड़ी बात बेटा, दोनों क्लास ही फ्री हैं। एप्लीकेशन पे जाने के लिए आपको देखो ये मेरा कोड है SUJ10, ये डालना पड़ेगा, लर्निंग अकेडमी लर्निंग ऐप जाके डाउनलोड कर लो, और स्पेशल क्लासेस पे आप आओगे तो वहां पे SUJ10 मेरा कोड डाल दो, आपको लिंक मतलब आपको फ्री एक्सेस मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। रोहित सारा कराएंगे बेटा, चिंता मत मानो। आपके बात समझ में आई, पहले इस बात पे कमेंट करो भाई, जो ये मैंने अभी फॉर्मूला जो ये ट्रिक आपको बताई है बेटा, इस पे मुझे कमेंट चाहिए। क्या बच्चों समझ पाए हो इसको, ध्यान रख लोगे? नॉर्मल टाइम माने एनटी, करंट टाइम माने सीटी, एक्स्ट्रा टाइम माने ईटी, हाँ कि नहीं? जल्दी बोलो भाई, फटाफट काम करो देखो, ताकि मैं कुछ बेहतर काम आपको और करा पाऊं, मैं बढ़ूं आगे। बेसिक से किसी को समझना है तो कमेंट कर देना भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट नंबर, दो नल ए व बी एक होज को क्रम से 1 घंटा 75 मिनट भरते हैं, एक निकासी नल आउटलेट सी है, यदि सभी तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो होज 50 मिनट में भर जाता है, भरे हुए होज को सी कितने समय में खाली कर देगा, बताइए। एफकेट से पहले बेटा 10 अगस्त पे हम आपको एफकेट की, आप लोग काम करिए भाई, एफकेट की टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं बेटा, मॉक टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूं, 15 मॉक कराऊंगा इसमें मैं आपको, सारा सिलेबस सारा रिवीजन यहीं पे हो जाएगा बेटा, 15 मॉक टेस्ट आपको करने वाला हूं। और बात एफकेट की नहीं है बेटा, आप जो भी एस्पिरेंट हैं वो अर्थमेटिक समझो, यहाँ पे पढ़ने में कोई दिक्कत होगी नहीं। मिहिर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो मेरे दोस्त, कैसे हो भाई? चलिए देखो, 10 अगस्त से हम एफकेट के लिए अर्थमेटिक स्पेशल की एक मॉक टेस्ट की, देखो बेटा ये तो ऐसे टॉपिक वाइज चलता रहेगा, हम आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कराएंगे, दिक्कत नहीं होगी कोई भी, आपको मिलेगा सारा सिस्टम। अब बताइए इस प्रश्न पे आइए, क्या ये प्रश्न आप लोग बना पाएंगे, फटाफट मुझे बताओ भाई दोस्तों, फटाफट मुझे बताओ क्या ये चीज आप तक सही पहुंची है, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। नेगेटिव है सी, यहाँ पे तीनों का दे रखा है, ए और बी का दे रखा है, सी का पूछा, अभी अभी मैंने बताया था, इसमें 100 आंसर दिया है योगेंद्र ने और रोहित ने बताया है 100, चले जी सेंचुरी लग गई। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई मुझे बताएं, फटाफट बताओ दोस्तों। रोहित वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, योगेंद्र बहुत बढ़िया। क्या मैं इस प्रश्न को छोड़ दूं, क्या मैं इस प्रश्न को छोड़ दूं, कर सकते हो क्या, जल्दी मुझे कमेंट के माध्यम से ये बताएंगे, बताओ भाई कमेंट के माध्यम से मुझे बताओ, क्या मैं इसको छोड़ सकता हूं? नहीं सनी, वेरी गुड। देखो भाई, ए 60 मिनट में भरता है, बी 75 मिनट में भरता है, ए प्लस बी माइनस सी, देखो सी नेगेटिव है पहले से मालूम है, लेकिन फिर भी टंकी भर जाती है, यानी कि ग्रुप नेगेटिव नहीं है, मतलब सी इतना भारी नहीं पड़ता इन दोनों पे कि वो इनके भरे हुए पानी को निकाल दे, है ना बेटा। 60, 75 और 50 कैल्शियम लिया मैंने, कितना आया सर जी? 300।
60 से डिवाइड करोगे ये भरेगा जी 5, 75 से डिवाइड करो ये भरेगा सर जी 4, इधर डिवाइड करो तो ये आएगा जी 6। हालांकि ये भरा ही जाएगा, लेकिन सोचो ए भरेगा 5, ये भरेगा 4, सी ऐसा क्या कर देगा कि सामने 6 आए, 9 यूनिट भरा गया और रिजल्ट आया 6 का। इसका मतलब क्या हुआ? सी 3 यूनिट खाली करेगा, सी 3 यूनिट खाली करेगा, यहां से ये पता लगा भैया। तो बोलो सी द्वारा 300 लीटर खाली करवाना है, सी की कैपेसिटी 3, तो बेटा जी 100 मिनट में टंकी को खाली। ए पार्ट विल बी योर सटीक करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, शाबाश, ये हुई दमदार बात, ये हुई मजेदार बात। लीजिए अगला प्रश्न आपके सामने, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। चलिए दोस्तों दम लगाओ, मजा आए क्लास में, ऐसा काम करो भाई। चलिए जो भी बच्चा नया है बेटा, चैनल पे सब्सक्राइब करो, क्लास को शेयर लाइक करो, मेरा टाइम टेबल मेरा शेड्यूल पता कर लो। और बेटा मैं कल से अपने टाइम टेबल अपने शेड्यूल को क्लास के दौरान स्लाइड में ही लगा लूंगा, ताकि किसी बच्चे को दिक्कत हो तो तुरंत वहां से पता लग जाए, राइट। हाँ जी, तीसरा सॉरी, 3 नल ABC एक टंकी को क्रम से 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। लो जी भर सकते हैं, तो ए भर सकता है 12 घंटे में, सर जी बी भर सकता है 15 घंटे में, सी भर सकता है 20 घंटे में। चलो तीनों भरने वाले आ गए, फिर क्या दिक्कत है? पुरानी रिकॉर्डेड मिलेंगे। हाँ बेटा देखो यूट्यूब पे पड़ी है सारी, और जो ऐप पे है बेटा, जो फ्री क्लास है ऐप की, वो आप देख सकते हो। और बेटा कोर्स आ रहा है पेड हमारा 10 अगस्त से, सॉरी 11 अगस्त से, एक्सपीडिशन CDS2 मास्टर कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स। बेटा सब ज्वाइन कर लो उसको, मैं बता रहा हूँ इतना फायदा दिलवाऊंगा, दोबारा से कभी मैथ्स की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, आगे आगे भागेगा मैथ, आप प्रश्न ऐसे सोल्व करोगे, देख लेना। तो मेरी सलाह है SUJ10 मेरा कोड है बेटा, जरूर लगा के वो कोर्स परचेज कर लीजिए। तो आओ आगे बढ़ते हैं सिलसिले में। ये भरता जी 10, ये 12 में, ये 15 में, 20 में। तो बेटा जी सबसे पहले लिया मैंने LCM 60, टोटल टंकी टोटल काम 60 की है, तो ये आया 5, ये भरेगा तो सर जी 4 भरेगा, ये भरेगा तो 3 भरेगा, राइट। चलिए 2 PM आंसर दिया सन्नी ने और रीत ने आंसर दिया सी, दोनों ने सलाह मिला ली है कि जी सर जी 2 बजे भरवा देंगे हम, ठीक है। चलिए सन्नी एक ही बारी कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, है ना। चलिए अच्छा आगे तो पढ़ो। कहते हैं पहले नल को सुबह 7 बजे खोला गया, दूसरे नल को 10 बजे 10 बजे खोला गया, और तीसरे नल को सुबह 11 बजे खोला गया। तो एक बात सुनो भाई, पहले नल को देखो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी सर जी 4 घंटे हो गए, यानी ये भर देगा 20 लीटर पानी, बोलो हाँ कि ना। दूसरे को खोला गया है कितना सर जी 10 बजे, और 10 से 11 बजे तक 1 घंटा, तो इसका मतलब ये 4 लीटर ये भर देगा, यानी जब तक 11 बजेंगे, देखो 11 बजे के बाद, 11 बजे के बाद तो बेटा ए भी चलेगा बी भी चलेगा और सी भी चलेगा, यानी 11 बजे के बाद तो पानी भरा जाएगा 5 प्लस में 4 प्लस में 3, यानी कि वहां पे पानी भरा जाएगा 12, और तब तक अलग अलग भरते हैं, तो बेटा जी देखो 24 लीटर पानी तो ये भर चुके हैं, 60 में से 24 लीटर भर चुके हैं, तो जो बचा हुआ पानी यानी जी 36, बचा हुआ पानी जो 36, अब ये तीनों मिलके भरेंगे और 3 घंटे में भर देंगे जी, हमारा काम खत्म, 3 घंटे में भर दिया। काम खत्म अभी नहीं हुआ है, क्योंकि बेटा काम खत्म तब होगा जब आप ढंग से आंसर दोगे, जो ऑप्शन जैसे हैं उस तरीके से अगर आपने आंसर नहीं दिया तो बेटा जी मार्क्स कट जाएंगे और आपका चालान कट जाएगा एग्जाम में, है कट जाएगा एग्जाम में, देख लो मैं बता रहा हूं फिर। तो दो ये 3 घंटे बेटा जी, 3 घंटे कब के बाद, 11 बजे के बाद 3 घंटे, तो कितने बच जाएंगे सर जी 2 बज जाएंगे, 11 में 3 घंटे जोड़ोगे तो कितने बच जाएंगे 2 बज जाएंगे, बिल्कुल सही सटीक, शाबाश भाई। ये हुई ना बात कि आपको जो आंसर मिलना है वो मिलना है 2 बजे, और बेटा ये 2 AM नहीं, माई मिस्टेक, 2 AM नहीं, 2 AM नहीं, ये तो गड़बड़ कर घोटाला हो गया, 2 AM नहीं, 2 PM, 2 PM, देखना देखना मामूली सी नजर हटी दुर्घटना घटी है,
मामूली सी नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला हिसाब यहाँ पे हो गया और आपका यहाँ भी चलान कट जाता। मतलब देखिए 2000 रुपए का फाइन मास्क पे लग रहा दिल्ली में, तो भैया यहाँ पे आपका चलान कट जाता और आप एग्जाम से बाहर हो जाते। ऐसे छोटे से प्रश्न में गलती नहीं कर देनी है, समझे कि नहीं? कमेंट करो भाई, फटाफट कमेंट करो भैया, फटाफट कमेंट करो। ये बात किसी ने नोट तो नहीं कर ली है, 2 AM वाली, 2 PM है भैया, कमेंट किया करो। देखो जब मजा आएगा मुझे, जब बेटा आप लोग कमेंट करें माध्यम से मुझसे बात करते रहेंगे। मजेदार बात यह है कि टू वे कम्युनिकेशन जब होगा ना, है एक्टिव पार्टनर बनो मेरे आप, तब जाकर के बात बनेगी। मुझे भी पता लगे कि आप कितना पढ़ पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, कितना देख पा रहे हो कॉन्सेप्ट को। चलिए भाई अगला प्रश्न इजी लेवल पे है बेटा, हल्का प्रश्न रख दिया देखिए मैंने ये आपके लिए। एक भरने वाला पाइप ए की क्षमता दूसरे भरने वाले पाइप की 5 गुनी है। ए बी अगर भरता है 1 लीटर तो ये भरता है 5 लीटर। दिस इज डब्ल्यू यू, वर्किंग एफिशिएंसी, कार्य क्षमता की बात है। क्लियर लाइक स्प्राइट। बहुत बढ़िया, अरे वाह भाई, कमाल कर दिया, मेरे कमाल कर दिया। 5 और 1 6। अच्छा जी, क्या कहते हैं? अगर ए टंकी को भर सकता है 18 मिनट में, तो भैया टोटल वर्क यहां पे या कहो कि कुल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 5 गुना में 18, 5 गुना में 18 यानी जी 90 लीटर तो हो गया पानी जो भरना है टंकी में। 90 लीटर हो गया पानी जो भरना है हमको टंकी में, 90 लीटर किससे भरवाना है? तो दोनों को एक साथ खोल दिया जाए बेटा, दोनों मिलके भरेंगे 6, और 90 से 6 कटेगा तो सर जी 15 हमारा आंसर, 15 मिनट में ये टंकी भरी जाएगी। किसने आंसर दिया? चलान कटा है भैया, देखो चलान भी कट जाते हैं जब आप गलती करते हो। और सही बात यह है कि आपका एग्जाम में चलान नहीं कटना चाहिए, वरना ये चलान तो फिर भी भरे जाएंगे। एग्जाम का कटा हुआ चलान बेटा आपको कई साल पीछे भेज देगा, क्या बात है। अच्छा अच्छा ओके, बहुत बढ़िया भाई, संजीव ने भी आंसर सी दिया, सब बच्चों का आंसर सी आया है। जिन जिन बच्चों का आंसर सी आ गया है उनको शाबाशी भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन, नाइस। नेक्स्ट पे आए भाई, लो जी थोड़ा सा चेंज हो रहा है भाई, क्वेश्चंस के स्टाइल में थोड़ा सा चेंज हो रहा है मेरे दोस्तों, क्वेश्चंस के स्टाइल में थोड़ा चेंज हो रहा है, ये हुई बात, बहुत बढ़िया है ना। चलिए चलिए भाई, एक बात मैं बड़ा कॉमन नोट कर रहा हूँ भाई, एक बात बड़ा कॉमन नोट कर रहा हूँ कि कोई खास मेरा मतलब क्या कहें, भक्त लग रहा मेरे को, हर रोज आता है एक डिसलाइक करके चले जाते हैं। भैया इससे हमारा मोरल डाउन नहीं होने वाला है, देखिए हम पिछले 17 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये डिसलाइक लाइक का खेल हमने बहुत खेल लिया है, तो इन सबसे ऊपर आ जाओ, कुछ पढ़ना लिखना सीख लो, कमाल की बात है, कंसिस्टेंट हैं वो लोग भी हैं जो भी ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। चलिए आपको भी वेलकम, आपका भी स्वागत, कम से कम इसी बहाने क्लास में तो आते हो। हाँ है कि नहीं, चलिए पढ़ो आगे, चलो हम इन चीजों पे ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं, वो उनका काम जो नेगेटिव सोच रखते हैं वो नेगेटिव रखें, जिनको पॉजिटिव रखना है बेटा पॉजिटिव, मजा आता रहे काम में, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है बहुत काम है। चलिए नेक्स्ट, 2 नल A और B एक होज को क्रम से 24 मिनट और 32 मिनट में भरते हैं। बेटा ए भर सकता है इसको 24 मिनट में, बी इसको भर सकता है बेटा जी 32 मिनट में। सबसे पहले एलसीएम लिया मैंने, 96 आया, ये भरेगा तो जी 4 भरेगा, ये भरेगा तो 3 भरेगा, ये इनकी कार्य क्षमता वर्किंग एफिशिएंसी हमारी आ गई है, राइट। चलिए यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि होज भरे 18 मिनट में? देखो बेटा मैं कहता हूँ यहां से भरना शुरू किया और यहाँ पे देखो ये हमने स्टार्टिंग की है और बेटा जी ये हो गया हमारा एंड और ये हो गया हमारा एंड। चलिए दोनों ने भरना शुरू किया, ए और बी ने भरना शुरू किया, कुछ टाइम बाद बी को यहां पे करना पड़ेगा बंद, लेकिन ए तो काम करता रहेगा, और यहां से यहां तक टंकी भरने में जो टोटल टाइम लगा बेटा जी वो दे रखा हमको 18 मिनट, राइट। अब एक बात बताओ भाई,
बच्चों मुझे एक बात बता दो, क्या ए कभी बंद हुआ? दोस्तों मुझे एक बात का जवाब चाहिए, क्या ए कभी बंद हुआ? नहीं हुआ ना। देखो ए कभी बंद नहीं हुआ, यानी ए ने 18 के 18 मिनट पानी भरा, तो भैया ए को कर दिया मैंने 18 से मल्टीप्लाई 4। ए को कर दिया मैंने 18 से मल्टीप्लाई, अरे रे 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 बेटा नहीं भाई, आंसर बच्चों के आना शुरू हो गए हैं, ये हुई ना मजेदार बात, शाबाश भाई। ए को किया मैंने 18 से मल्टीप्लाई यानी 72, इसमें से 72 तो इन्होंने कर दिया, तो बताइए 72 इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा? सर जी 24 बचेगा, वो 20 से भरवा लो और जब भर दे तभी उसकी छुट्टी कर दो। 8 मिनट सटीक, खटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने आंसर 8 मिनट दिया है वो आंसर बेटा बहुत बढ़िया, योगेंद्र सन्नी आप दोनों को शाबाशी। बाकी बच्चे भी बेटा कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताया करो तभी बात बने, बाकी बच्चे जरूर बताया करो ताकि ताकि फिर दिक्कत आपको ना हो, राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर, ये आप बताओगे ये इजी है, ये बड़ा इजी लेवल मैंने रख दिया है, ये बड़ा इजी लेवल मैंने रख दिया है, इसको बताएंगे आप लोग, ये काम आप करके बताएंगे मुझे भाई, ये काम आपको करना है दोस्तों तब बात बने। चलिए फटाफट बताएं भाई, फटाफट बताएं, कौन बताएगा इसका आंसर? सबसे पहले कौन बताएगा? एक होज साधारणतः 8 घंटे में भर जाता है, परंतु तली में छिद्र होने के कारण 2 घंटा अधिक समय लगता है, यदि होज भरा हुआ हो तो छिद्र उसे खाली करने में कितना समय लेगा? याद आई वो ट्रिक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी? बेटा निपटा दो इस प्रश्न को फटाफट, इस प्रश्न को निपटा दो मात्र कुछ सेकंड में, जैसे सन्नी ने फेंक के मारा आंसर, ये पकड़ो जी हमारा आंसर आ गया। सन्नी ये बात बताइए आपको क्लियर है? सन्नी को तो क्लियर है, बाकी आप सन्नी नहीं बाकी और बच्चे बताएं बेटा समझ में आ रही है ये बात कि नहीं? 40 पे आप पहुंच पा रहे हो कि नहीं? फटाफट मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, फटाफट बता दीजिए भैया एक बार, फटाफट बता दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं भैया आपको। चालीस मिनट सेलेस, बहुत बढ़िया भैया, YPS, वेरी गुड, शाबाश। देखो भाई क्या करना है, नॉर्मल टाइम लगना था जी 8 घंटे, 2 घंटे लग गए एक्स्ट्रा, यानी सर जी नॉर्मल टाइम, एनटी माने नॉर्मल टाइम 8 घंटे, सीटी माने करंट टाइम 10 घंटे, ईटी माने एक्स्ट्रा टाइम बेटा जी 2 घंटे, समझ गए? तो क्या आंसर? 8 गुना में 10 बटा में 2 यानी कि 40 मिनट हमारा सटीक सही आंसर, घंटा तो सॉरी घंटा लिख दो, कोई बात नहीं, वो यूनिट का तो बस ध्यान रखना है आपको, और कोई खास दिक्कत है नहीं इसमें, मिनट की जगह बेटा आप आज लिख देना, दैट्स इट, इट्स योर सी पार्ट। तो आंसर हमारा 40 घंटे, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड मोंटी, रीत, YPS, शैलेश, योगेंद्र, संजीव, सन्नी, सबने आंसर सही दिया, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश दोस्तों, शाबाश। नेक्स्ट पे आइए, लो भाई ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, इसको बड़े ध्यान से देखना भैया, मैं इसको इम्पोर्टेंट बना रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन गया, देखिए क्या क्वेश्चन कहता है, ये थोड़ा सा इसमें तसल्ली बख्श काम आपको करना होगा तब जाके बात बनेगी, राइट। देखो भाई, एक लड़का 3 मिनट में 40 लीटर पानी भर सकता है तथा एक लड़की 4 मिनट में 3 लीटर पानी भर सकती है, बताइए दोनों मिलकर सॉरी हजार, I'm sorry, हजार कह रहा हूं मैं भी, 100 लीटर, बताइए दोनों मिलके 100 लीटर पानी कब भरेंगे? दिस यू हैव टू आंसर, 100 लीटर पानी कब भरेंगे? चलिए क्या आप अपने एंड पे ये क्वेश्चन सोच सकते हो? क्या अपने एंड पे ये प्रश्न बता सकते हो? मुझे ये जानकारी पूछनी है आप लोगों से, क्या अपने एंड पे ये जानकारी आप बता सकते हो तो मुझे बताइए भाई एक बार।
चलिए आओ देखो भाई, क्या इस प्रश्न पे बात कर पाओगे? मुझे पहले इस प्रश्न पे बात करो, उसके बाद मुझे जो भी प्रश्न आप पूछोगे बेटा मैं आंसर दूंगा, चिंता ना करो। जो चीजें आप तक बाई चांस नहीं पहुंची है बेटा पहुंचा देंगे, उसकी चिंता ना करो, वो तो मिलना ही है आपको। संजीव ने कहा सर जी आंसर आएगा ए पार्ट, संजीव ने कहा जी आंसर आएगा ए पार्ट। देखते हैं बच्चों, देखो भाई लड़का क्या करता है बताओ? 3 मिनट में लड़का पानी भर सकता है जी 4 लीटर, और लड़की क्या कर सकती है सर? वो भी पानी भरेगी, और क्या, वो भी पानी भरेगी, लेकिन वो 4 मिनट में भरती है 3 लीटर पानी। इन दोनों को एक साथ मिलके काम करना है, इन दोनों को एक साथ मिलके काम करना है, तो बताएं कैसे होगा? बता दीजिए रोहित, बता रो बेटा, आओ यहाँ पे। जिन बच्चों से हो गया उनको शाबाशी, बहुत बढ़िया, अगर सही है तो है ना। हाँ ये भी तो बात है ना बेटा, अगर सही है तो की बात है ये, अगर सही है तो मजेदार बात है, शाबाश। ए भरता है बी यानी कि लड़का भरता है 3 मिनट में 4 लीटर। हम क्या करते हैं, इनके टाइम को ना सेम बना लेते हैं, ये 3 और 4 मिनट की बजाय हम इनको दे देते हैं 12 मिनट का टाइम। सेम टाइम कर लो बेटा, तभी तो इनको इकट्ठा काम कर लेंगे, तभी तो इकट्ठा काम कराएंगे इनका। इसको 12 बनाने के लिए सर जी 4 गुना, तो इसको 12 बनाने के लिए 3 गुना। अब देखना मैं कलर चेंज कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। इसे 12 बनाने के लिए सर जी 4 गुना, तो बेटा काम भी तो 4 गुना हो जाएगा, हाँ कि ना है? चलिए, और इसको 3 गुना कर दो तो 12, इसको भी 3 गुना कर दो 12। देखो क्या हुआ, ये 12 मिनट में भर सकता है 9 लीटर पानी, 12 मिनट में भर सकता है 9 लीटर पानी, और ये 12 मिनट में लड़की भर सकती है 12 मिनट में, आई एम सॉरी माई मिस्टेक, देखो मैंने लड़की का काम यहां पे लिख दिया, ऐसे थोड़ी होता भैया है, सुधारा करो उन चीजों को। 16, और लड़की भरती है 9 लीटर पानी, भैया लड़की भरती है 9 लीटर पानी, तो बताओ 12 मिनट के लिए इनको अगर टाइम दिया गया, 12 मिनट के लिए अगर इनको टाइम दिया गया है, तो लड़का भर के रखेगा 16 लीटर पानी। ये 16 नहीं लिखा जा रहा यार, हाथ धो रही है, ये 16 और ये 9, यानी टोटल मिला के B+G का इकट्ठा जो काम हुआ वो सर जी 12 मिनट में हो गया 16+ में 9, यानी कि सर जी 25 लीटर। बोलो भाई 25 लीटर, भरना कितना है सर जी 100 लीटर, यानी कि 25 का भी 4 गुना तो बन गया जी 100 लीटर, है ना? तो 12 का भी 4 गुना तो बन गया बेटा जी कितना बताओ, 48 मिनट्स। किसने आंसर दिया 48? 48 माने सी पार्ट सही आंसर। डी कहां से ले आए मेरे भाई, डी कहां से ले आए, डी कहां से ले आए? 48 मिनट आंसर दिया शैलेश ने, बहुत बढ़िया। सन्नी ने, बहुत बढ़िया। मोंटी बेटा सुधारो। गोलू, गोलू कहां रहते हो भैया, तुम आते क्यों नहीं? 48 मिनट हमारा सही सटीक आंसर हो गया इस केस में। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भैया? हाँ जी कोई समस्या नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर, थोड़ा सा स्टाइल चेंज बेटा, ये इंपॉर्टेंट दर्जे का प्रश्न बनने जा रहा है, क्योंकि कैपेसिटी वाला प्रश्न, कैपेसिटी वाला प्रश्न देखो हम पीछे नहीं करते थे, तो अभी कैपेसिटी वाला प्रश्न आ गया है दोस्त। तैयार हो जाओ भाई, तैयार हो जाओ कि ये प्रश्न आपको करके दिखाना है, ये प्रश्न आपको बताना है। हाँ जी मनीष कुमार कैसे हो भैया? हाँ देखो भैया, देखो क्या कहते हैं, सहज पके सो मीठा हो, ये लगातार आओगे, धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना, तो आपके एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूं आपको, आपके एग्जाम में दिक्कत कभी भी नहीं होने वाली है, फिर ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, ठीक है? चलिए बताओ भाई बताओ, मैं कह रहा हूं देखिए फायदेमंद बात है ये, तो इसको आप एक्सेप्ट किया करो, आप आए करो क्लास।
एक टंकी की तली में छेद है। मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ भाई। है सब बच्चों को जानकारी दो गोलू, जो भी अभी नहीं आए हैं बेटा पहुंचाओ उनको, ताकि क्लास का फायदा वो भी उठा पाए। एक टंकी की तली में छेद है, ठीक है जी, जो कि उसे 8 घंटे में खाली कर देता है। उसमें नल को खोला जाता है, एक नल को खोला जाता है जो कि उसे 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को भरता है। अब ये टंकी 12 घंटे में खाली होती है, तो टंकी की धारिता, क्षमता, आयतन, कैपेसिटी, हाउ मेनी लीटर्स डज द कैपेसिटी है। चलिए देखो भाई, बड़े ध्यान से ना मेरी बात सुनना दोस्तों, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो टंकी है, विद डायग्राम समझाऊंगा आपको, बनाना नहीं डायग्राम। इस टंकी की तली में लगा है ए नल नेगेटिव, जो इसे 8 घंटे में क्या करता है, खाली करता है। ए नेगेटिव नल है, पहचानना इस बात को। ये मैंने एरो लगा दिया, बल्कि नेगेटिव निशान लगाना चाहिए मुझे। ए भरता है नेगेटिव का, सॉरी ए करता है नेगेटिव का, समझ गए? हाँ सर जी समझ गए। सिस्टम का मतलब देखो बेटा, बड़ी सी टंकी होती है, बड़ी सी टंकी होती है, समझ लो होज जिसको बोलते हैं। होज एक होती टंकी, एक होती होज, है ना? हाँ टंकी ही समझो। चलो अब इसमें क्या किया, बी नल ऊपर से पॉजिटिव है, चला दिया गया, बी नल चला दिया गया, जो कि 6 लीटर 1 मिनट में पानी पॉजिटिव यानी कि भरता है, यहां पे पानी भरता है। अब पहले भरी हुई टंकी को खाली करते थे, समझ रहे हो? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ध्यान देना। रीत ने आंसर दिया 8640 सबसे पहले। चलिए जी, YPS ने कहा, रोहित ने कहा, अच्छा पहले इन्होंने कहा, ओके जी। चलो एक बार देखो, जहां ये कैपेसिटी वाली बात आएगी बेटा, वहां पे ना ऐसा कोई जानकारी जरूर दी गई होगी, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता। देखो मैं तो ये कहता हूं, ए अकेला खाली करता है 8 घंटे में, और -A+ में बी, ये ग्रुप है तो नेगेटिव ही, ये खाली करता है ए अकेला, ये तो बात हमको पता ही थी, ये खाली करता है, बात तो हमको पता ही थी। लीजिए अब शुरू करता हूं, ए खाली करता है पर बी तो वहां पे पॉजिटिव है ना, लेकिन दोनों मिल गए तो ग्रुप नेगेटिव है, जो कि भरा गया 12 में। सर जी एलसीएम ले लिया मैंने 24, समझ रहे हो? यानी ये खाली करता था 3, खाली हुआ 2। देखो ए तो अपनी तरफ से 3 ही खाली कर रहा है, बी ने ऐसा क्या किया कि सामने -2 रहा, इसका मतलब ये हुआ जी बी ने 1 लीटर, और ये जो 8 घंटे हैं ये भी 12 घंटे हैं, यानी कि बी 1 लीटर पानी। इंपॉर्टेंट है, सुनते रहना भाई, इंपॉर्टेंट है, सुन लेना। 1 लीटर पानी 1 घंटे में भरता है, हमारे अनुसार 1 लीटर पानी 1 घंटे में, लेकिन इसकी तो कैपेसिटी है 6 लीटर प्रति मिनट, यानी सर जी 1 मिनट में भरता है 6 लीटर। हमको ओरिजिनल जाने के लिए इसको 60 मिनट यानी 1 घंटा बनाना पड़ेगा ना, 1 घंटे के लिए 60 से गुना करेंगे तो ये 60 से गुना किया तो बेटा जी 360 लीटर भरेगा। देखिए ये बी जो है ओरिजिनली 1 मिनट में 6 लीटर भरता है, बेटा समझ लेना बड़े ध्यान से, है बड़े ध्यान से समझ लेना। तो क्या होगा, 360 लीटर भरता है 1 मिनट में, और यहां हमारी कैपेसिटी आई जी 1, यानी बेटा जी 1 यूनिट को कहते हैं 360। तो हमको ये रहा टोटल वर्क, बेटा यहाँ पे टोटल वर्क कैपेसिटी ऑफ टैंक को, होज की क्षमता को ही कहा जाएगा, तो 24 यूनिट को कितना कहेंगे, तो गुना में क्या कर देंगे 24 कर देंगे, और 0, 6 4 24, लास्ट में 40। बेटा लास्ट में 40 तो कई सारों के हैं, तो ये ध्यान देना पड़ेगा आपको, है ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। 24 6 144 हासिल लगे कितना बेटा जी, हमारे 14 हासिल लगे, 72 और 14 86, बहुत बढ़िया। लो जी आंसर हमारा आ गया 8640, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। जिन बच्चों ने आंसर दिया था उन बच्चों को मिलती है डिजिटल शाबाशी मेरी तरफ से, राइट। बहुत स्लो स्पीड में देखो मैंने समझाया है, सब बच्चे इस पे एक बार कमेंट करके मुझे बता दो कि हाँ सर हम समझ गए कि नहीं समझे इसमें, बताइए भाई। हाँ नहीं बेटा देखो, आप जेम कोर्स में आओ बेटा, वहां पे इंग्लिश भी है, जीएस भी है, मैथ्स भी है। एप्लीकेशन पे आओ बेटा, मेरा कोड डाल दो वहां पे,
कोड मैं बता देता हूँ बेटा आपको, जब स्पेशल सेलेक्ट करके वो कोड आपसे मांगे तो बेटा ये कोड डाल देना। ये कोड डालने के बाद आपको बेटा कोर्स मिल जाएगा, जेम कोर्स पे आप आ जाओ। बिल्कुल एक बार फिर से बताना है, सनी 94 क्यों आएगा भैया, 94 तो ऑप्शन में भी नहीं है। देखो मिहिर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान देना बेटा। ए अकेला खाली कर सकता है इसको 8 घंटे में, ए अकेला भरी टंकी को खाली कर सकता है 8 घंटे में, लेकिन ऊपर से बी 6 लीटर प्रति मिनट से पानी भरता है। 1 मिनट में जो 6 लीटर भरता हो बेटा, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दे तो 60 मिनट बन गए, तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई किया 360 लीटर। बी ऊपर से पानी भरता है, समझो बी ऊपर से, देखो ये क्या कहते हैं, समझा रहा हूं बेटा, जिनको समझ नहीं आया फिर से समझा रहा हूं, दिक्कत मत मानो, समझा के जाऊंगा, ऐसे नहीं भागूंगा। 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भर देगा, 60 मिनट में कितना भर देगा, 360, यानी कि ऊपर से बी जो पानी भरता है वो 1 घंटे में भरता है 360 लीटर। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है भाई, चलिए। अच्छा अब ये बताओ, अब ये बताओ, ए अकेला खाली करता 8 घंटे में, बी ऊपर से पानी भरेगा तो 8 में खाली नहीं होगी, माइनस ए, क्योंकि ए नेगेटिव है, बी प्लस है, बी भरने वाला है, फिर भी ये ग्रुप देखो पॉजिटिव नहीं रहा, नेगेटिव क्यों, 12 घंटे में टंकी खाली ही होती है, समझ रहे हो बात को। चलिए हाँ सुनो, तो 12 और 8 कैल्शियम 24, भाई टंकी की क्षमता मैंने मानी 24 लीटर की, तो 8 से ये खाली होता 3, लेकिन खाली हुआ कितना, 2 ही, क्यों, क्योंकि ऊपर से पानी आया होगा, तो क्या ए का -3, बी का बी छोड़ दिया, सामने आया जी -2, तो बोलो यहां से बी का पॉजिटिव काम आया कितना, बी का पॉजिटिव काम कितना आया, बी का पॉजिटिव काम आया जी 1 लीटर पानी, कितने घंटे में, 1 घंटे में। हम कहते हैं 1 घंटे में 1 लीटर पानी, लेकिन सही बात यह है कि वो तो भैया पानी भरता है 360 लीटर, एक यूनिट का मतलब 360 है, तो बेटा जी हमने कैपेसिटी मान रखी 24, तो बताइए बताइए 24 का मतलब क्या है, 360 गुना में 24 कर देंगे, गेट योर आंसर 8640। इज इट ओके फॉर एवरीवन, सब बच्चे दम लगा के एक बारी से लाइक कर दो, और भैया दम लगा के बोल दो, सावन का महीना है, हर हर महादेव। भैया बात बताओ, आज समझ में आया कि नहीं आया, चलिए नेक्स्ट पे आइए भैया, समझ आ गया है तो नेक्स्ट पे आ जाओ, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको और मजेदार लगेगा, और मजा आएगा भैया। और सब बच्चे एक बात बताना चाह रहे हो बेटा, जिस भी ग्रुप से आप हैं तो सब ग्रुप में ये क्लास के लिए आप बोलो, क्लास का लिंक भेजो वहां पे। देखो मैं चाहता हूँ उन बच्चों को भी कुछ फायदा मैं दिलवा पाऊँ, कौन सा बेटा, देखिए यूट्यूब पे हम आपसे पैसा तोड़े नहीं रहे बेटा, पेड कोर्स की जानकारी अलग होती है, यूट्यूब की अलग होती है, और फ्री रहता है इनफेक्ट, है ना, क्लियर लाइक स्प्राइट, बहुत बढ़िया। चलो भैया नेक्स्ट नंबर क्या कहता है पढ़ लीजिए, ए नल है खोज को 20 घंटे में भर सकता है, लिखो भाई, ए नल भर सकता है जी 20 घंटे में, ए को मैंने लिख दिया पॉजिटिव, जबकि दूसरा नल है बी, बी अकेले उसे 30 घंटे में भर सकता है, ये भी भरने वाला है तो बी भर सकता है जी 30 घंटे में, सी नल भरे हुए खोज को 40 घंटे में खाली कर सकता है, ये आया नेगेटिव वर्क, सी इसको खाली कर सकता है 40 घंटे में, ठीक है भाई जी। हाँ जी, यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, वेरी इजी भैया, इजी लेवल पे ये प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कोई भी विद्यार्थी इसमें टेंशन में आएगा, मुझे नहीं लगता कोई विद्यार्थी इसमें टेंशन में आएगा, मैं चाहता हूं कि सभी दोस्त इसको सोल्व कर डालेंगे, है ना। देखो एलसीएम लो कितना, सर जी एलसीएम आ गया हमारा 120, 20 से डिवाइड करोगे 6+ आएगा, 30 से डिवाइड करोगे 4+ आएगा, आएगा 40 से डिवाइड करोगे 3- आएगा, भैया ए प्लस बी माइनस सी बराबर क्या, 120 डिवाइडेड बाई 6 4 10 में से 3 गया बेटा जी 7, 120 बटा में 7 यानी कि जी भाग करोगे 17 सही, अरे क्या लिख दिया ये, जिन बच्चों का आंसर ये पार्ट आ गया उनको मिलती है डिजिटल शाबाशी, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे, आंसर आ गया 17 सही 1/7, 17 7 119 होता है, आर्स आएगा इस, और डेज नहीं आएगा, आर्स आएगा, ए पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया शाबाश, ये हुई ना मजेदार बात, ये हुई ना दमदार बात, बोलो समझ में आई बात, लगाओ जयकारा भाई, लगाओ जयकारा शिव शंकर का, कि आया समझ आया सर।
ए पार्ट हमारा सबका आंसर आ गया है। जिन बच्चों को नहीं आया भैया कमेंट के माध्यम से पूछेंगे, नहीं तो मैं बता रहा हूं कि अब अगले लाइन पे आ जाइए। चलिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? सनी बहुत बढ़िया, सनी सनी बहुत बढ़िया। मैं समझ जाता हूँ सनी कि जब आप अति उत्साह में होते हो तो फटाफट लगे रहते हो ऑप्शन पे ऑप्शन, सॉरी टाइप पे टाइप करते हो, कमेंट पे कमेंट करते हो। चलिए सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया बात। लो जी ये प्रश्न फिर भी अच्छे स्तर पे आ गया, इसको इंपॉर्टेंट स्तर पे आप ले लेना भाई, बढ़िया प्रश्न आ गया मेरे भाई। चलिए भाई, चलिए रोहित बहुत बढ़िया। आइए भाई देखो क्या बढ़िया प्रश्न लेके आया हूं आपके लिए, मजा ना आए तो कहना भाई, इस प्रश्न के लिए दम लगा देना आप सब। कहते हैं एक टंकी में 5 पानी भरने वाले नल लगे हैं, जो प्रत्येक नल 12 मिनट में टंकी भर सकता है। इस टंकी में 3 टंकी खाली करने वाले नल लगे हैं, प्रत्येक खाली करने वाले नल टंकी को 16 मिनट में खाली कर सकता है। दिक्कत में मत आओ। देखो I4 इनलेट भरने वाला, O4 आउटलेट खाली करने वाला, एक एक की बात कर लो बेटा, पहले एक एक की बात कर लो, देखो मजा आएगा। एक एक की बात करो, एक भरने वाला इसे भर सकता है 12 में, एक खाली करने वाला इसे खाली कर सकता है 15 में। एलसीएम लिया मैंने क्या बेटा जी, एलसीएम लिया मैंने 12 15 का 60, यानी टंकी है सारी 60 लीटर की, यानी भरा गया तो सर जी 5 प्लस, अरे प्लस तो नहीं लगा भाई, और खाली करने वाला हो तो सर जी 4 नेगेटिव। सही बात, हाँ कि ना? यहां तक बताओ भाई, यहां तक किसी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को, किसी मेरे दोस्त को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, कहते हैं सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए, तब प्रत्येक मिनट टंकी में 11 लीटर पानी भरा जाता है। बताइए टंकी की धारिता, धारिता माने वही कैपेसिटी, कैपेसिटी ठीक है, कैपेसिटी की बात पूछ रहे हैं भैया, ये कैपेसिटी की बात पूछ रहे हैं, धारिता आयतन क्षमता कुछ कहो। यहां से प्रश्न में थोड़ा सा दम बन गया है। क्या कहते हैं भरने वाले कितने थे, सुनिए भाई क्या कह रहे हैं, भरने वाले सर जी 5, एक भरने वाला भरता है 5, तो 5 भरने वाले कितना भर देंगे सर जी, टोटल भरा गया 25 लीटर, खाली करने वाले हैं 3, तो बेटा इसको गुना कर देंगे तो 3 ही आएगा जी, माइनस का 12, यानी भरा गया है जी 13 यूनिट, भरा गया है 13 यूनिट, ये हुई बात, भरा गया है 13 यूनिट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, लो जी आओ, सोलह मिनट में खाली करता, ओके 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 ओके, रुको भैया जी रुको रुको रुको, थोड़ा सा एरर आ गया यहीं पे बेटा, सुधार डालो, 15 नहीं है। देखो मैं भी ना 15 को लेके कितना जल्दी आगे निकल गया, सुधारो इस बात को, सुधारो सुधारो सुधारो, यहीं पे बात पता कर दो पूरी, ऐसे नहीं भैया, ये बेटा अति उत्साह में, अति उत्साह में 16 है, लो जी 16 भरा जाता है, प्रोसीजर करेक्ट है बेटा जी, प्रोसीजर करेक्ट है। अर्थमेटिक में भी नहीं होगी दिक्कत, में टेंशन ना लो। लो बेटा आओ, तो यहां पे बेटा 48 यूनिट आएगा सारा काम, तो 12 गुना में 4 करोगे तो 4 पॉजिटिव, 16 गुना में 3 करोगे नेगेटिव, 5 से इसको गुना करना पड़ेगा तो बेटा जी भरने वाले 20, और 3 से इसे जी -9, ये तो 11 ही आ गया, और बेटा जी 11 ही वो ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमारा ये भी 11 लीटर बचा इनका भी, तो बेटा जी अब मैं क्या बोलूं, 11 को जब 11 कहते हैं तो भैया 48 को 48 कहेंगे और क्या कहेंगे, 48 लीटर खत्म, ये हुई कहानी, हमारा आंसर 48 48। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, बोलो प्रोसीजर बेटा तब भी सेम था, प्रोसीजर तब भी सेम था, प्रोसीजर में दिक्कत नहीं थी, वो 15 लिखा गया था सीट, मुझे लगता है सब समझ गए होंगे बेटा। कमेंट कर दो एक बार, सभी बच्चे ने एक बार कमेंट कर दो, मुझे बता दो कि हाँ सर हम यहाँ तक पहुंच गए हैं, हमको समझ आ गया है, ये गुना में 5 का सिस्टम और गुना में 3 का सिस्टम, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, गुना में 5 का सिस्टम और गुना में 3 का सिस्टम, मुझे लगता है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये समझ में आया कि नहीं आया, एक बार जरूर मुझे कमेंट करके आप बताते रहा करो भाई।
मिहिर बताइए आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया। देखो कल को ये हो सकता था, कल को ये हो सकता था हमारी 11 यूनिट को वो कुछ कहे, मान लो 1 लीटर कहे, तो 1 को बटे में 11 और गुना में बेटा जो जो कैपेसिटी मानी हमने तो वो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करें कि ए की वैल्यू भी इन्होंने 11 दे रखी है तो ठीक है, ऐसे कैसा निकाल लो, फिर क्या दिक्कत है? बढ़िया, समझ आ गई बात। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बोलो आगे बढ़ने को तैयार है? तो चलिए भाई आगे बढ़ने को सारा माहौल तैयार है तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। रोशन कैसे हो रोशन भैया? रोशन देखो पढ़ते रहो रोशन, एक प्रॉमिस कह रहा तुमने मुझसे, याद होगा भाई कि इस बार सीडीएस पार करा दो गुरुजी, तो बेटा आपको आना पड़ेगा, हर रोज पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ते रहा करो। लाइव क्लास में आने से क्या फायदा होता है, जानकारी है आपको ना, कि आप अपने कमेंट पूछ सकते हो। जैसे देखो मिहिर ने कहा वंस मोर, लो बेटा मुझे मामूली सी बात लगेगी वंस मोर करते टाइम, बल्कि मैं रिपीट ही कर दूंगा, मैं ऐसा नहीं कि इसको यहाँ पे समझाऊंगा। देखो बेटा एक भरने वाला नल भर सकता है 12 में, एक खाली करने वाला नल करता है जी 16 में खाली। बेटा जी एलसीएम आया 48, यानी एक भरने वाला भरेगा 4, एक खाली करने वाला करेगा 3 नेगेटिव। बेटा भरने वाला कितना नल है मिहिर बताओ? मिहिर देखो भैया 5 नल भरने वाले हैं, तो एक भरने वाला 4 भरता है, तो 5 भरने वाले कितने भरेंगे? 20 भरेंगे। एक खाली करने वाला 3 खाली करता है, और हमको पता है जी खाली करने वाले नल भी 3 है, तो बेटा जी 1 3 खाली करेगा तो 3 9 खाली करेंगे, यानी बचा 11, 11 लीटर बचा। और बेटा ये 11 से 11 मैच कर गया, इसका मतलब देखो क्या होगा, 11 से 11 मैच कर गया, इसका मतलब ये है हमने जो एलसीएम मान रखा है वही का वही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 11 का मतलब 11 तो 48 का मतलब 48। डन डना डन डन, बोलो भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है राइट। चलिए भाई बहुत बढ़िया बहुत बेहतर शाबाश, समझ में आ गई क्या बात? भैया कमेंट करो मिहिर, और जो बच्चे अभी इसको नहीं समझ पाए थे बेटा कमेंट कर दो, ताकि मुझे समझाने में और आपको समझने में दिक्कत ना हो। चले आगे, ओके चलिए भाई, चलिए भाई ये देखो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो भाई, पता नहीं गोलू क्या हुआ, मासूम बच्चा डोसा इडली पता नहीं वो मेरे सारे फ्रूट सैलेड कहाँ चले गए, उन तक क्लास नहीं पहुंच रही है क्या बेटा? एक बारी सब बच्चे इतने मदद तो मेरी करो कि क्लास को वहां तक पहुंचा दो, ताकि वो बच्चे बेचारे ढूंढ रहे होंगे, फिर कहेंगे सर मिले नहीं, पेपर नजदीक आ गया, तो पहुंचाओ यार उन तक पहुंचाओ, ये बात है कि नहीं बताओ मुझे। चलिए शुरू करते हैं, इस प्रश्न को शुरू करते हैं बेटा जी, आओ। कलर चेंज करना चाहिए भैया, कलर चेंज करना, यहां से एक नल होज को 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा उसे 15 मिनट में भर सकता है, लेकिन तीसरा नल 6 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 5 मिनट तक दोनों नल खोल दिए जाते हैं, उसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया जाता है, तो होज कितने समय में खाली हो जाएगा तीनों नलों को एक साथ खोल देने के बाद? गोलू ने कहा सी, गोलू ने कहा सी। चलिए बेटा देखते हैं सी के बारे में क्या विचार है। सी कहा गोलू ने, रीत ने कहा 50। बेटा यहाँ पे ना थोड़ा सा स्टाइलिश काम करना आपको, थोड़ा सा टेक्निकल स्टाइलिश काम करना, बस आपको क्या करना है वो काम देखिए मैं आपको बता देता हूं। ए भर सकता है सर जी 12 मिनट में, बी भर सकता है इसको सर जी 15 मिनट में, और सी उसे खाली कर सकता है 6 मिनट में। ए पॉजिटिव काम करेगा, बी पॉजिटिव काम करेगा, और सी करेगा यहाँ पे नेगेटिव काम, तो बेटा 12 15 और 6 का एलसीएम आएगा तो 60 ही आएगा, आएगा तो यानी ये भरेगा तो 12 सर जी 5 भरेगा, ये भरेगा तो सर जी 4 भरेगा, और ये तो देखिए भैया कैसा आ गया 10 खाली कर देगा, यानी कि अब की बारी सी ए और बी दोनों पे भारी पड़ गया। अब क्या कहते हैं, प्रारंभ में 5 मिनट के लिए देखो बेटा ये दोनों मिल जाए तो 1 मिनट में 9 और 5 मिनट में भर दिया जी इन्होंने 45 लीटर पानी। अब ये टंकी थी टोटल हमारी 60 लीटर की, इसमें 45 लीटर पानी भरा जा चुका है, ठीक है, ऊपर से ए चलेगा और बी चलेगा, ए और बी की बेचारे की क्षमता 5 और 4 9 की है,
लेकिन सिंह इतना धुरंधर तेज है कि वो 10 लीटर पानी खाली कर देगा। अब मुझे ये बताइए, आया पानी 9 लीटर, गया पानी 10 लीटर, यानी कि इस 45 को अब 1 लीटर माइनस होने लग जाएगा, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो बेटा जी 45 मिनट में टंकी खाली, सबका चालान कट गया। हैं, कहाँ कहाँ घूम रहे हो बेटा? आंसर आ गया हमारा ये पार्ट। किसने आंसर दिया 45? किसी ने दिया नहीं, 15 मिनट दे रहे हो आंसर। 15 मिनट पता नहीं कैसे, क्या क्या 15 मिनट क्यों बता रहे हो भाई, बताओ मुझे कहां से आ गया 15 मिनट? वो बचे हुए को 15 को डिवाइड कर दिया। ना जी ना, ना ना मिहिर, ऐसा नहीं। 60 माइनस 45, 15, और 15 आपने भरवा दिया। ओहो भाई साहब, रुक जाओ रुक जाओ, ऐसा काम मत करो। यहां पे सी सुन रहे हो मेरी बात को? यहां पे सी बड़ा भारी पड़ रहा है दोनों पे, दोनों मिलके जो भरते हैं, दोनों मिलके जो क्षमता क्रिएट कर रहे हैं, दोनों मिलके जो क्षमता क्रिएट कर रहे हैं बेटा, वो है 9 पॉजिटिव की, और अकेला सी खाली करता है 10, है कि नहीं? तो भैया क्या हुआ, 9 में से 10 गया तो -1, यानी कि अब हर मिनट 1 लीटर पानी खाली होगा। 45 हमारा सटीक आंसर। डन डन डन। सब बच्चे कमेंट करके बेटा, सब बच्चे एक बार कमेंट करके मुझे बता दो तब बात बने। सब बच्चे कमेंट करके मुझे बता दो तब बात बने कि हाँ सर ये बात ओके है। हाँ भाई, हाँ कि ना बताओ मेरे दोस्तों, हाँ कि ना, फटाफट कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे ये क्या हुआ। देखो पोपट हो गया। चलिए चलिए नेक्स्ट नंबर पे आइए, नेक्स्ट नंबर पे आइए। चलिए मिहिर, आपको करना है ये। लैंग्वेज और लॉजिक नहीं पकड़ पाए, काम का लेवल कर रहे हो हैं। चलिए इस प्रश्न को बताइए भाई, फटाफट इस प्रश्न को बताइए। मिहिर, जो भी आपके ग्रुप में बाकी बच्चे बेटा, उनको जरूर बताओ कि इन क्लासेस में भी वो आए। अगर टाइमिंग का कोई इश्यू है तो बेटा टाइमिंग का देख लेंगे, वो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप सब बच्चों तक एक बार ये पॉइंट जरूर पहुंचाओ कि अब मैं आपके लिए एफकेट का एक बैच लेके आऊंगा, मॉक टेस्ट रहेंगे, उसमें सारे प्रैक्टिस बैच रहेगा, प्रैक्टिस में टाइप चैप्टर वाइज नहीं होगा बेटा, मॉक टेस्ट रहेंगे, और ये सीडीएस में भी काम आएगा, ये बाकी एग्जाम्स में भी काम आएगा, कहीं भी जहां पे ये चैप्टर आते हैं बेटा वो जरूर आएंगे, ठीक है? चलिए सनी, काम करो भाई, इस पे काम करो अब। इस पे ए बी व सी एक होज को 6 घंटे में भरते हैं, लो जी ए प्लस बी प्लस सी एक होज को 6 घंटे में भरते हैं, 2 घंटे एक साथ काम करने के बाद सी को बंद किया। बेटा इन दोनों ने 2 घंटे काम कर दिया, तो पता लगा ए प्लस बी प्लस सी का 4 घंटे का काम, अब ए और बी ने 8 घंटे, सॉरी ए और बी ने 8 घंटे में किया, तो बेटा जी ये वो काम नहीं हो गया, ये वैसा नहीं हो गया जो बीच में से काम छोड़ के भागने वाला प्रश्न था, है ना? देखो मैं कह रहा हूं, अब ये काम छोड़ के भागने वाला जैसा प्रश्न हो गया, ठीक है? ओके मिहिर, ठीक है, थैंक यू भाई, आपका सपोर्ट चाहिए होगा सब बच्चों का, मुझे आपका डिजिटल सपोर्ट बेटा मुझे बहुत चाहिए होगा, ये समझो कि आप ही लोग देखो मेरे क्या कहते हो डिजिटल हथियार हो, है आपको ही करना है सब कुछ। तो यहां से एक बात बताओ भाई, अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी रेशो ए प्लस बी, मुझे लगता है ये चीज आपको आती है, क्रॉस कर दूंगा तो 8 यहाँ पे और सर जी 4 यहाँ पे, काटा लगाओगे तो जी 2 यूनिट ये करेगा और 1 यूनिट ये करेगा, भरेगा करेगा नहीं, यहाँ पे क्या बोलोगे, भरेगा, है ना? करेगा नहीं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सर जी भरेगा, ये बात हो जाएगी हमारी। अच्छा अब सबसे पहले ये तो बताओ टोटल वर्क बेटा, यहाँ पे टोटल वर्क कैपेसिटी ऑफ टैंक होता है, क्या करते हैं ए बी सी मिलके 6 घंटे में भर सकते हैं, दोनों की देखो कैपेसिटी कितनी है, तीनों की सॉरी 2 यूनिट, टोटल काम के लिए 2 गुना में 6 करेंगे सर जी 12 आएगा, और कहते हैं सी कितने में, बेटा सी की कैपेसिटी क्या है, 1 ही है, तो बेटा सी इस काम को कर देगा 12/1, यानी जी 12 डेज, सॉरी 12 आवर्स, हमारा डी पार्ट हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। बोलो भाई डी पार्ट हमारा आंसर होगा, बोलो डी पार्ट आंसर होगा, समझ में आया क्या? कमेंट करो भाई, कमेंट कर डालो दोस्तों, तब बात बने, मजा तब आए मुझे जब ये बात आप पूरी करो।
शेयर लाइक करते रहो भैया, शेयर लाइक ठोको तभी बात बनेगी, शेयर लाइक ठोक दो तभी बात बनेगी भैया। डी पार्ट गोलू बहुत बढ़िया, 12 घंटे डी पार्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए जिस बच्चे का आंसर नहीं आया इस प्रश्न का बेटा जरूर मुझसे पूछ लेंगे एक बारी, जिस बच्चे का आंसर नहीं आया जरूर एक बारी पूछ लेंगे, ठीक है। विशाल वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए सुनो भाई, जिस बच्चे ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, सारी जानकारियां आपको यहीं से मिलती रहेंगी हमारी तरफ से। क्लास को शेयर लाइक किया करो बेटा अपने ग्रुप पे, अपने फेसबुक ग्रुप पे, आपके जो भी यूट्यूब ग्रुप तो नहीं होते मैं वैसे ही भावना में बह रहा हूँ, देखो यूट्यूब ग्रुप थोड़े होते हैं, तो जो भी आपके टेलीग्राम ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है बेटा सब पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा करो, ताकि जो भी नीडी पर्सन है, जो भी नीडी बच्चा है बेटा, उन सबको ये चीज़ मिल पाए, उन तक ये बात पहुंच पाए, ठीक है। चलिए बेटा अभी अभी इस पे क्लास और लगेगी, आज ये पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि समय की सीमा जो मुझे अलाउ नहीं कर रही आगे पढ़ाने को। जो बचे हैं देखो ये कोर्स कोर्स कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन बचे हैं और कुछ और भी प्रश्न मैं कल लेके आऊंगा, तो बेटा कल के पाठ के लिए तैयार रहना। कल हम कुछ बड़े प्रश्न लेके आएंगे, झलक थोड़ी दिखाई दूं, देखो इतने बड़े बड़े वाले प्रश्न लेके आएंगे बेटा, तो कल कुछ बड़े प्रश्न आएंगे, सब ध्यान से रखना। और टेलीग्राम चैनल बिल्कुल बिल्कुल बेटा पीडीएफ का मैं व्यवस्था बना दूंगा। तो बेटा जाते जाते फिर से बता दूं, 11 अगस्त से बेटा जी हमारा एक पेड बैच आ रहा है बेटा, सब बच्चे मेरी सलाह मान के उसको जरूर परचेज कर लीजिए। SUJ10 मेरा कोड वहां पे डाल दीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलवाऊंगा। और बेटा देखो जैसे यहाँ पे आपकी क्वेरी सर वो नहीं मिला, सर वो नहीं मिला, ये सब चलता रहता है ना बेटा, पेड कोर्स में तो ऐसा होगा ही नहीं। और मानो ना मानो पेड कोर्स का लाभ बहुत ज्यादा मिलता है, कोर्स आप चाहे जो भी 1 महीने का बाई कर ले, 3 का, देखो यहाँ पे 17% ऑफ है, यहाँ पे 25 है, 6 महीने में, यहाँ पे 54 है, और जो मेरे पीछे छुप गया बेटा ये 24 महीने का है, 2 साल का है, 67% ऑफ तो है ही है। और बेटा 10% मैं आपको दिलवा दूंगा, देखो 11,520 रुपये है 10% ऑफ मिलेगा, 480 रुपये पर मंथ मिलता बेटा, ये बताओ 480 रुपये एक बारी आप एक दोस्त को लेके पिज्जा खाने के लिए निकल गए तो बेटा ऑटो का किराया भी हटा दो तो 500 रुपये में तो पिज्जा ही खाया जाता है, और यहाँ 500 रुपये में देखिए हम आपका भविष्य बना रहे हैं, तो क्यों नहीं ले लेते, है कि नहीं। तो ये सब चीजों पे थोड़ा सा जरूरी है बात करना, और बेटा SUJ10 कोड आपको डालना है ताकि आपको जो मैं मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट वो दिलवा पाऊं, ताकि आपको थोड़ा सस्ता भी पड़े, पॉकेट फ्रेंडली भी रहे और आपके लिए करियर फ्रेंडली भी वो रहे। करियर की तो ये समझो कि भैया कोई भी आपको ढिलाई नहीं रखनी है, आपको जरूर सब क्लासेस में प्रेजेंट रहना है और सबको ये बताओ ताकि वो इस चीज का फायदा उठा पाए, ठीक है। चलिए बच्चों आज सेशन कैसा लगा जरूर ऑफलाइन कमेंट करके जाना बेटा, थैंक यू आप सबको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम, लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम, ये हमारा चैनल है बेटा, इस पे आपको यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री क्लासेस, बहुत सारे फ्री सेशंस, मॉक टेस्ट वगैरह मिलते रहते हैं। जरूर बताना आपको कैसा लगा ये सेशन, और बने रहिए कल की क्लास में आपको और उच्च दर्जे के हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ बेटा, सबको कल क्लास में लेके आना। और इस क्लास में अगर कोई समस्या है तो बेटा कमेंट कर देना ताकि मैं आपकी समस्या को दूर करूँ, ठीक है मेरे ऑफिसर्स। ध्यान रखो अपना, अपने परिवार का ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो और ऑफिसर बनने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहो, ठीक है भाई। चलिए मेरी तरफ से गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद।